Ladakh, autonomous hill development, Tongsin Kargi ke, Azadi ke, Amrit Mahotsav karyakram mein, hamare beech mein, Lieutenant Governor Shri R. K. Mathur ji, लद्दाख के लोकप्रिय सांसद चामयांग नामग्याल जी, इस काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट त्यासी ग्याल सिंह जी, डिप्टी चेयरमैन सेविंग आयोग जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, सभी अधिकारीगण, इस काउंसिल के सभी माननीय सदस्यगण, प्रतिपक्ष के नेता, आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत हम आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और इस 75 साल को हम देश में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये 75 साल की हमारी यात्रा एक मिसाल है। क्योंकि आजादी के प्राप्त करने के लिए हमने लंबा संघर्ष किया, बलिदान दिया, उसके बाद हमें आजादी मिली। आजादी के बाद हमारे सामने कई चुनौतियां थी, चुनौतियों को हमने अवसर ले लिया। देश में लोकतांत्रिक गणराज्य, हमने आजादी के बाद एक लंबी चर्चा सभा चिंतन के बाद हमारा संविधान बनाया, जो आज भी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान है। और हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शन के रूप में काम कर रहा है। जिस संविधान में अधिकार भी है और आम जनता के कर्तव्य भी, लेकिन संविधान की मूल भावना क्या है? जनता को बीच में रखकर हमने संविधान का निर्माण करा है। इसलिए आज भी दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उन सब देशों में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है, जनता के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता है। और इस लंबी यात्रा के अंदर जब देश में सत्ता चुनाव हुए, 300 से ज्यादा विधानसभा के चुनाव हुए, एक सहज रूप से सत्ता का स्थानांतरण, इसका कारण हमारा संविधान है। हमारे संविधान में हमेशा हमने मूल जनता रखी,
कह सकते हैं कि जब आजादी के 75 साल हो रहे हैं तो ये लोकतंत्र क्यों विधानसभा लोकसभा में नहीं, ये लोकतंत्र गांव तक है। और मुझे खुशी होती है कि जब मैं लद्दाख के उन गांव में गया तो गांव में चुनी हुई सरकार है, ग्राम प्रतिनिधि है, सरपंच है, बीडीसी मेंबर है, काउंसिल मेंबर है और सभी लोग सामूहिक रूप से जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। अलग अलग भौगोलिक स्थितियां देश के अंदर, यहां की भौगोलिक स्थिति अलग है, अन्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारी विविधता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी बोली, हमारा खान पान, सारी विविधताओं के बाद भी अगर हम एक हैं तो उस लोकतंत्र के कारण। कि हमारा लोकतंत्र इतना सशक्त और मजबूत है कि विविधताओं को एक साथ मिलकर हम देश के में निर्णय करते हैं, फैसले करते हैं। जनता की अपेक्षाओं के अनुसार फैसले करते हैं और यही कारण है कि हमारे इस लोकतंत्र की लंबी यात्रा के अंदर जहां लोकतंत्र सशक्त मजबूत हुआ है, देश का विकास भी तेजी से हुआ है। देश में जो भी चुनी सरकार है उन सरकारों ने अपना अपना योगदान दिया। कि आज देश के अंदर गांव के अंदर भी चले जाए तो गांव में लोग आज इंटरनेट की मांग करने लगे, पहले किसी जमाने के अंदर जब न रोड था, न पीने का पानी था, न स्कूल थे, न हॉस्पिटल थे, न आवागमन के साधन थे, लेकिन हमने एक लंबी विकास की यात्रा के अंदर उन सब भौगोलिक चुनौतियों के बाद भी हमने अब गांव ढाणी के विकास का योजना बनाई, हमने आधुनिकता का भी उपयोग किया और हमने हमारी संस्कृति और हमारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमने हमारी कार्य योजना अपने देश की योजना के हिसाब से योजना में दी, क्योंकि हर देश के अलग अलग स्थितियां रहती है। कई देश हमारे एक जिले के बराबर के देश नहीं, आबादी की दृष्टि से, भौगोलिक की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश हमारा देश है, लेकिन उन सारी परिस्थितियों के बाद भी हमारी सामूहिकता हर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सक्षम। और हमने अभी देखा 100 साल बाद जब कोरोना विश्वव्यापी महामारी आई हम सबके लिए चिंता का विषय था कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी भौगोलिक स्थिति,
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं, जबकि हमने विकसित देशों के जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है उनके हालात देखे। लेकिन उसके बाद भी उस कोरोना महामारी का मुकाबला हम कर पाए तो हमारी सामूहिकता, संकल्प शक्ति के कारण, सामूहिक प्रयासों के कारण, हमारी सामूहिकता, संस्कृति और संस्कार के कारण। और यही हमारे देश की 75 साल के अंदर यही हमारे देश की विशेषता है। एक तरफ हमने विकास के नए आयाम खड़े किए, और विकास के आयाम भी लक्ष्य बनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा 15 अगस्त पर लाल किले के मैदान से कि जब आजादी के 100 साल हो जाएंगे तो हर हमारे देश के अंदर हर गांव में सड़क होगी, पीने का पानी होगा, बिजली होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साधन होंगे, भारत आत्मनिर्भर होगा। और आज मैं ये देख रहा हूं कि हर गांव अपने अपने आप में आत्मनिर्भर होने के लिए कार्ययोजना बना, स्वशासन पद्धति हमारे यहां पर है लेकिन आत्मनिर्भर पद्धति हमारे यहां नहीं थी। लेकिन अब देश आत्मनिर्भर बने इसके लिए भी सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। और मैं देख रहा हूं कि हर गांव के अंदर जो भी उत्पाद, हस्तकला, शिल्पकला, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उसका विक्रेशन करना हो, उन सब के लिए नए तेजी से काम हो रहे हैं। और इसीलिए अगर हमने सामूहिकता से काम किया तो भारत आत्मनिर्भर देश भी होगा और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बाजार भारत होगा जो दुनिया को सप्लाई करने के लिए सक्षम होगा। हमारे प्रोडक्ट अब देश के बाद दुनिया में भी जाने लगे और ये काम हम करने की आवश्यकता है। यह आजादी का अमृत महोत्सव हमारे इसलिए संकल्प का पर्व है कि इस 75 साल के अंदर हमारा गांव आत्मनिर्भर बने, हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हम लोकतंत्र के माध्यम से जनता की भावनाओं के अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण करके उसके विकास की योजना बनाए और इसकी सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता है। और कल जब मैंने चर्चा की तो उसमें हमारा व्यक्ति क्षेत्र की चर्चा हो, संवाद हो, विचार विमर्श हो, जब आप गांव में जाएंगे बैठेंगे चर्चा करेंगे। मैं आज जब बैंकों बैंक में गया तो मैं गांव के लोगों से मिला, मैंने देखा कि उस गांव के अंदर अगर वहां के लोग सामूहिक योजना बनाए तो उस गांव आत्मनिर्भर हो सकता है। देशी विदेशी इतनी बड़ी संख्या में यहां पर्यटक आते हैं और पर्यटन उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग, इसलिए मैं चेयरमैन साहब से कहूंगा कि हमें हर गांव के अंदर चर्चा करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए कि कैसे
हम हर गांव को वहां आत्मनिर्भर बना सकते हैं, वहां के लोगों के रोजगार सृजन की कार्य योजना बना सकते हैं। विकास हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन बुनियादी बातों के लिए हम काम कर ही रहे। कल मुझे एलपी साहब बता रहे, आप सोच भी सकते हैं कि 2022 तक लद्दाख के हर गांव के अंदर पीने का पानी पहुंचा। संचार के समस्त सुविधाएं पहुंचे। रोड कनेक्टिविटी पहुंचे। यहां पर यूनिवर्सिटी बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, नया एयरपोर्ट बन रहा है। दुनिया और देशी पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अभी मुझे एमपी साहब बता रहे कि 16 फ्लाइट चलती है, जहां जिस तरीके यहां प्राकृतिक मनोरम दृश्य है, प्राकृतिक शुद्धता है, उसी तरीके के यहां के शालीन लोग, शालीनता अनुशासन उनके जीवन में मुझे मिल रहा है। अपनी संस्कृति को बचाते हुए ये लोग विकास भी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाना भी करना चाहते हैं। और मैं आज आपको बता के जा रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बनेगा तो लद्दाख बनेगा आने वाले समय में। मेरा आपसे इतना निवेदन है कि हम सब लोकतांत्रिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में सामूहिकता के साथ काम करना, मिलकर काम करना, चर्चा समाज से काम करना, लोकतंत्र की विशेषता यही होती है कि सहमति असहमति भी होती है। अगर असहमति सहमति भी होगी तो लोकतंत्र भी होगा। लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके बाद भी सबका लक्ष्य इस देश को गौरवमय बनाने के लिए इस लक्ष्य से सब लोग काम। सबका एक लक्ष्य रहता है कि मेरा देश आगे बढ़े, मेरा देश हर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सक्षम हो, हमारे देश में सामाजिक आर्थिक व्यापक परिवर्तन हो, और इस बदलाव के लिए आप सब शामिल चर्चा के लिए यहां पर बैठे हुए। मुझे आशा है आने वाले समय में इस सामूहिक चर्चा संवाद से हम जनता का कल्याण कर पाएंगे, उनके अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। मैं इस मौके पर चेयरमैन साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया। एक महत्वपूर्ण सदन में जो सदन यहां के विकास की योजनाओं के साथ लोगों के आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है, मिलकर काम कर रहा है, इसके लिए सभी काउंसिलिंग के सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं कल भी कहा था, फिर कहूंगा, संसद का सत्र जब भी चले,
कोरोना का संक्रमण कम हो, तो सभी काउंसिल के मेंबर हम सदन की कार्यवाही में वहां की कार्य पद्धति, वहां की नियम प्रक्रिया, वहां की लाइब्रेरी, वहां के प्रशिक्षण के, ताकि सब लोग देश की सर्वोच्च संसद संसद से उनका नियमित संवाद और चर्चा होती रहे, ताकि अपने अपने स्तर को हम अपने नियम प्रक्रिया पद्धति से चर्चा और संवाद का केंद्र बना सके, समाज के कल्याण का केंद्र बना सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।